शादी के कार्ड, तो शादी के कार्ड से मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, तो मैं बना रही हूँ। तो ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, देखिए ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कार्ड्स, ये इतने सारे कार्ड्स हैं, ये बहुत सुंदर सुंदर। तो इनसे मेरे को मुझे कुछ आइडिया आया है, तो मैं वो बनाने जा रही हूँ। तो सोचा आपको भी दिखाती जाऊँ। जैसे आजकल शादियाँ हैं, शादियाँ में हम लिफाफे बहुत लग जाते हैं। एक्चुअली मेरे यहाँ तो बहुत लगते हैं, मेरे हस्बैंड को कभी कभी 21 शादियाँ भी अटेंड करनी पड़ती है, 21 शादियाँ। तो सोचो लिफाफे कितने लगते होंगे। तो हालांकि वो ये वाले लिफाफे कम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं जो अच्छे बन जाते हैं तो उनको वो यूज़ कर लेते हैं। तो करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, फेंकने से अच्छे हैं। इतने सुंदर कार्ड्स, कोई इतने प्यार से अपनी शादी के कार्ड्स बनवाते हैं और इनको फेंक दिया जाए तो ये ठीक नहीं है। ये तो राधा कृष्ण का ये है, भागवत कथा का, लेकिन ये भी नहीं फेंक सकते थे। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कार्ड्स, कितने सुंदर सुंदर कार्ड्स। तो इतनी उससे लोग कार्ड्स बनवाते हैं और फिर इनको फेंक दिया जाए, ये ठीक नहीं है। तो मैंने कुछ कार्ड्स ये बचा के रख लिए थे, मैंने कहा इनका कुछ DIY करती हूँ। तो मेरा फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता, और कहते हैं शादी के कार्ड तो वैसे भी नहीं फेंकने चाहिए, या तो इसका विसर्जन कर देना चाहिए या कुछ भी कर लेना चाहिए, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए। देखिए कितने सुंदर सुंदर कार्ड, ये देखिए बहुत सुंदर। काफ़ी तो मैंने यूज़ भी कर लिए, मैं बना लेती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। और ये कार्ड देखिए कितना सुंदर, और इसको तो मैंने काफ़ी यूज़ भी कर लिया इसके। और इसके ये चीज़ है, ये देखिए कितने मोटे, ये कार्डबोर्ड के ऊपर है ये बने हुए, लेकिन ये तस्वीरें बहुत सुंदर हैं। तो इनका भी मैं कुछ तो करूँगी। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर कार्ड, तो इनका भी कुछ आइडिया लगाऊंगी। इसका ये वाला पार्ट्स भी देखिए कितना सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स थे वो, तो मैंने काफ़ी यूज़ भी कर लिया और मैं करूँगी भी। अब मैं सोच रही थी इनका कुछ बनाती हूँ, तो मैं बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। आपको भी आइडिया अगर अच्छे लगे तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करिए, और कभी कार्ड्स फेंकिए मत, कूड़े में तो बिल्कुल मत फेंकिए। तो आप लोगों को अच्छे लगे आइडिया तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं लिफाफा बनाऊंगी, इस तरह का कार्ड लेंगे, कार्ड का कवर, और इस पर नोट रख के और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये नोट इसलिए कि आइडिया रखने के लिए कि कहाँ तक हमारे ये आएगा, तो इस तरह से, और ये ऊपर वाला फोल्ड इस तरह से, और ये यहाँ तक आ रहा है, तो इसके बाद का हम कट कर देंगे। थोड़ा सा फोल्ड करने को यहाँ पे भी चाहिए हमको, यहाँ पे भी, तो वो ये वाली पट्टी निकाल लेंगे हम, तो ये लग जाएगी। अब इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे ऐसे, हम ये कट कर लेते हैं, ये मैंने कट कर लिया है इस तरफ से। अब मैं इसको भी कट कर लूँगी,
ये कट कर लिया। अब ये लगेगा यहाँ और यहाँ लगेगा ये, तो इसको इसकी लंबाई ले लेंगे। इस तरह से ऐसे कट कर लेंगे। अब ग्लू लगा लेंगे। ऐसे एक इस तरफ और एक इस तरफ, दूसरी तरफ ऐसे करके, और अब लगा लेंगे इस तरफ। अब इसको कर देंगे फोल्ड। तो ये देखिए बन गया हमारा पहला लिफाफा। अब इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर देते हैं। तो यहाँ से हम गोलाई लगा देते हैं, जैसे मार्केट का होता है ना लिफाफा, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। तो ये हमने थोड़ी सी गोलाई निकाल ली। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ी और फिनिशिंग कर देंगे हम। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इसी का वो लगा देते हैं कुछ। तो ये दो मेरे को इसी में से निकले थे, तो ये मैंने इसमें से निकाले, जो एक्स्ट्रा था उसमें निकले थे, तो ये मैं यहाँ पे चिपका देती हूँ। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट लिफाफा तैयार। सेकंड लिफाफा बनाने के लिए इस तरह का अगर आपके पास कार्ड है तो इसके दो बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं, तो बीचों बीच यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए मैंने अलग अलग कट कर दिए हैं। अब इसको ले लेंगे, एक बना के दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये एक्स्ट्रा रखना है ऊपर का, क्योंकि ये ऊपर का भाग आएगा, तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। तो हम थोड़ा सा इतना इतना कट कर लेते हैं। तो इसको ऐसे कट करके ऐसे कट कर लेंगे और एक निशान लगा लेते हैं, क्योंकि हमको ये भी कट करना पड़ेगा यहाँ से ऐसे, और इधर भी इतना ही आइडिया से ऐसे निशान लगा के, और इसको इतना इतना यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक कट करना है। ये वाला पोर्शन नहीं कट करना है, ये वाला कट करना है सिर्फ। ये देखिए ये कट करके कुछ इस तरह का होगा। ये देखिए अब इसको फोल्ड कर देंगे इधर से भी और इधर से भी, इस तरह से। इसे थोड़ा सा गोलाई बना लेंगे नीचे से भी और ऊपर से भी, बताती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से गोलाई बना ली नीचे से। अब ऊपर से भी ऐसे ही ये पहले कट करना पड़ेगा, और इस तरह से ये देखिए यहाँ से इस तरह से गोलाई आएगी, और एक्स्ट्रा कट कर लेंगे ऐसे करके गोलाई निकाल के इसको कट कर देंगे। ऐसे गोलाई करेंगे इस तरह से कट करके। अब यहाँ पे कोई डिजाइन बना लेंगे, यहाँ पे भी गोलाई हम कर लेते हैं। ये इस तरह से हम इसको चिपका लेंगे, और यहाँ पे भी हम कोई डिजाइन बना लो या सिर्फ ऐसे ही गोला गोला कट कर लेंगे गोलाई से। ये देखिए इस तरह से, जैसे मार्केट के लिफाफे होते हैं ना, अब इसको चिपका देंगे पहले। ये देखिए इस तरह का बन जाएगा हमारा लिफाफा। यहाँ से हम यहाँ पे पैसे डाल सकते हैं या कुछ भी, ऐसे करके हम किसी को भी इसमें दे सकते हैं। ये बन गया एक और लिफाफा हमारा।
थर्ड टाइप का लिफाफा हम इस तरह का, हमारे पास अगर लिफाफा है, शादी का कार्ड है, तो जैसे ये डबल करके भी रख सकते हैं, तो ऐसे इतना पीस हम निकाल लेते हैं, इतना, ये इतना ये कट कर लेते हैं। ये मैंने कट कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको पहले कट कर लेते हैं, इतने पोर्शन को कट कर लेते हैं। ये हो गया ऐसे। अब हम पहले इसकी भी गोलाई बना लेते हैं, ये यही वाली गोलाई ले लेते हैं, तो इससे हमारा कार्ड सुंदर दिखेगा। ये कुछ इस तरह का कट हो गया है। अब इसको ऐसे करके लेंगे और ऐसे कर लेंगे, ये देखिए ऐसे बन गया, ये लिफाफा बन गया हमारा। अब ये पकड़ के अब इसकी कटिंग कर देंगे, ये लिफाफा तैयार। तो इस तरह से, तो फोर्थ आइडिया के लिए हम इस तरह का एक बड़ा कार्ड ले लेंगे और इसको ये बीचों बीच काट लेंगे यहाँ से। अब एक तरफ तो फोल्ड हो रखा है, दूसरी तरफ हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब एक 4 इंच के लगभग इधर से फोल्ड करेंगे और 6 इंच के लगभग इधर से फोल्ड कर देंगे। तो अपने आइडिया से, वैसे मैंने ये आइडिया ही लगाया है, तो नोट रख के भी आप रख कर सकते हैं। आपने जितने का नोट इसके इस लिफाफे में रखना है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो चारों तरफ मैं ये कट लगा दूंगी, देखिए इस तरह से, और बीच में छोड़ देंगे 4 कट इस तरह से लगा के, और फिर मैं इसकी शेप बना लूँगी जैसे मार्केट का लिफाफा होता है ना, उस तरह से थोड़ी सी गोलाई या सीधा कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरफ, इस तरह से चारों तरफ इस तरह से कट लगा देंगे। और अब ये वाला पोर्शन अंदर लेके और ऊपर का ये जो साइड साइड के हैं, इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे फेविकॉल की हेल्प से, फेविकॉल लगा के, और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब जो ये ऊपर वाला पोर्शन है जो हमारा फोल्ड करने का, इस पर भी हल्का सा गोलाई निकाल के, ये देखिए इस तरह से गोलाई डाल के, और ये बन गया हमारा लिफाफा। अब एक ये मैं गणेश भगवान का स्टिकर निकाल के और इस वाले एनवेलप पे फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पे बीचों बीच चिपका दूंगी, और इस तरह से हमारा एनवेलप तैयार। और ये देखिए मैंने ये 4 प्रकार के आपको आज आइडिया दिया है, आपको यूज़फुल लगे तो आप लोग भी इस तरह से करें। तो आपको मेरे ये आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फ्रेंड्स।